तो हम लोग अभी है गेहूनी बाजार समिति में। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं सामा चकेवा देखने के लिए और काफी अच्छा लग रहा है सामा चकेवा देख के। इससे पहले हम लोग एक बार बचपन में देखे थे सामा चकेवा, इसके बाद कभी देखे नहीं थे। तो आज मौका मिला है सामा चकेवा देखने का और काफी अच्छे से ये लोग जो है सामा चकेवा खेल रहे हैं। और आज लास्ट डे है सामा चकेवा का, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ किस तरीके से ये लोग खेलते हैं सामा चकेवा। और ये लोग एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी मॉम एंड डॉटर। मैं हूँ दिव्या और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं जो हूँ वो उठ गई हूँ। वो क्यों उठी हूँ इतनी जल्दी वो भी आपको पता चलेगा, क्योंकि आज मुझे मिला है बहुत बड़ा सरप्राइज। जैसे ही मैं सो के उठी और मुझे मिला बहुत बड़ा सा सरप्राइज, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। तो मेरी सबसे प्यारी मौसी मेरे से मिलने आई है, तो मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी प्यारी मौसी से। तो अभी तो मैं अपनी मौसी की लाडली हूँ। मेरी मौसी मुझे बहुत प्यार करती है बचपन से लेके अभी तक। मैं उनके लिए बस एक छोटी सी बच्ची हूँ और जो कि बड़ी ही नहीं हुई हूँ। तो मैं मिलवाती हूँ आपको अपनी मौसी से, तो आइए मेरे साथ और मैं आपको भी मिलवाऊंगी अपनी मौसी से। तो ये है मेरी मौसी, ये है मेरी प्यारी मौसी और ये है मौसा जी। तो मौसी मेरे से मिलने आई है, तो मुझे जो है सरप्राइज दी। मुझे बहुत शौक है सरप्राइज देने का, तो आज मौसी ने मुझे सरप्राइज दे दिया। मैं जैसे ही सो के उठी और मौसी मेरे सामने थी और मैं खुशी से, मतलब मुझे इतनी खुशी मिली कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन मौसी बहुत जल्दी में रहती है, मेरे से मिलेगी और चली जाएगी तो बस मेरे से ही मिलने आई है। तो मैं अपनी मौसी के लिए अभी भी छोटी सी बच्ची हूँ। पापा यहाँ पे पान लगा रहे हैं मौसा जी के लिए, स्पेशल पान। 2 साल देते थे काफी पी हो गया, हमने ही पीने थे लेकिन बार पाकर से देखो। हाँ, लक्ष्मी तू पहले भले ही दे अभी तो रुक भी ना। ठीक है बाय बाय बेटा। तू सूत ले लिया कि मौसी सूत ले लिया? हाँ हाँ नहीं की लागे तो छो। बाय बाय। और गुड़िया जो है वो बहुत अच्छे से चंपी कर रही है। मैं यहाँ पे 1 वीक रही हूँ अपनी मम्मी के पास और लगभग 2-3 बार मेरा जो है अच्छे से चंपी कर दी है ये। और मैं नहा के जो हूँ वो फ्रेश हो गई हूँ और मौसी भी मेरी जा चुकी है, सरप्राइज देने आई थी, बस थोड़ी देर रुकी। यहाँ का व्यू जो है ना वो बहुत खूबसूरत है, पूरी हरियाली से भरा हुआ है। और ये मोहल्ला है मम्मी लोगों का और हमारा जो घर है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बन ही रहा है। तो ये है हमारे घर का बालकनी, ऊपर वाले फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का बालकनी है ये। और यहाँ पे काफ़ी शांति है, बहुत अच्छा मोहल्ला है। गाड़ी से मेन रोड जो है वो 2-5 मिनट के रास्ते पे है, इस गली से बाहर है तो उतना शोरगुल नहीं है इधर। और ये देखो मेरे पीछे ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं आए हुए हैं, तो ग्रीनरी ही ग्रीनरी है पूरा, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ गई थी बेबी? आ जाओ इधर देखो,
और हीयू जो है वो आ गई है घूम फिर के, और हीयू बहुत इंजॉय कर रही है अपनी नानी के घर पे। इसको बहुत मजा आता है, ऊपर नीचे पूरे टाइम करती रहती है। इसको ढेर सारा स्पेस मिला हुआ है खेलने के लिए, तो ये खेल कूद करती रहती है। तो ये है मेरी मम्मी का किचन, ये है गुड़िया, यहाँ पे ये काम करती है और बहुत ही प्यारी है और मुझे भी बहुत मानती है। और जब से मैं आई हूँ मेरे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करती है। ये मेरे बालों में बहुत अच्छे से चंपी कर देती है और सबसे ज़्यादा हीयू को बहुत प्यार कर रही है, बहुत मानती है, घुमा देती है। तो इसके यहाँ एक रैबिट है जो कि हीयू को बहुत पसंद है। तो आज हीयू गई थी इसके घर बन्नी देखने के लिए, पास में ही इसका घर है और इसके घर पे बन्नी है और ये पढ़ाई भी करती है। ये 8th में पढ़ती हो ना 8th में? हाँ। और ये बहुत बड़ी घुमक्कड़ है, जब देखो तब टावर पे घूमती रहती है। तो अपना सारा सैलरी ये इसी में खर्च करती है, घूमने में, फिरने में, खाने में। तो इसीलिए ये जो है अपना काम करती है साइड से पढ़ाई के साथ साथ। तो मैं आ गई हूँ सामा देखने के लिए, सामा चकेवा देखने के लिए। मेरा बहुत मन कर रहा था सामा चकेवा देखने का, तो मेरे घर से थोड़ी दूर पे जो है ये लोग सामा चकेवा खेल रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे कैप्चर भी करूं और इसी बहाने मैं देख भी लूंगी और आप लोगों को भी बताऊंगी कि सामा चकेवा क्या होता है। तो सामा चकेवा जो है ये बिहार का पर्व है, मिथिलांचल में इसको भाई बहन का पर्व माना जाता है और इसको नेपाल के भी कुछ साइड में खेलते हैं सामा चकेवा। और तो इस सामा चकेवा के पीछे की कहानी ये है कि श्री कृष्ण भगवान के एक पुत्र और एक पुत्री थी, जिसका पुत्र का नाम था चकेवा और पुत्री का नाम था सामा। दोनों में बहुत प्यार था। और एक बार क्या होता है कि कृष्ण भगवान के जो मंत्री हैं वो कृष्ण भगवान का कान भरते हैं कि आपकी पुत्री जो है वो गलत संगति में है। तो इससे क्रोधित होकर कृष्ण भगवान जो है वो श्राप दे देते हैं अपनी पुत्री को और उसको जो है वो पक्षी बना देते हैं। इसके बाद जो है उनका भाई चकेबा जो है उनके लिए कठोर तपस्या करता है। तो इसके बाद कृष्ण भगवान जो है वो उनको वरदान देते हैं कि हर साल 8 दिनों के लिए सामा जो है उनके पास आएगी पूर्णिमा में, कार्तिक के महीने में, और पूर्णिमा के दिन जो है वो सामा चली जाएगी 8 दिनों के बाद। तो इसके पीछे की बहुत सारी स्टोरी है जिसमें से कि एक ये भी है। और यहाँ पे लोग जो है सामा चकेवा खेल रहे हैं काफी अच्छे से, काफी दिनों के बाद जो है वो देखने को मिला है सामा चकेवा। और गाना भी साथ में गा रहे सामा चकेवा का। ये वृंदावन है, ठीक है, ये चुगला है। अच्छा ये है चुगला, चुगला करे चुगली। ओके हाँ, और वो सामा चकेवा, ये सामा चकेवा। हाँ हाँ ठीक है। और सत भैया भी है, सत भैया दिखाइए कौन सा है। अच्छा ये नीचे सत भैया है, ठीक है। भैया है सत भैया। अच्छा ये जलेगा नहीं आज? हाँ बाद में जखन हो तो कमी कर। और ये की चुगला, चुगला।
कर नहीं मैथिलिए में कहियो मैथिलिए में कहू ना हाँ। भाई के फरा भरते गला में गमछा देता है हाँ। मिठाई मुरी चूरा एना भाई करता है अच्छा हाँ। पैसा देते टीका करता है भाई के पांच बेर खोचा में बहन देते है एक मुट्ठी भाई देते बहन के खोचा अच्छा तहां सब पूर्णिमा के खोचा भरा ओ सामा क्या मनबै छी एके पीछे के कहानी कहियो ना सामा मनबै छी भाई बहन के रीत है जकरा भाई है समाज भाई बहन भाई बहन ससुर सब जाए छे हाँ वह पूछे अच्छा भाई बहन के पत्नी अब ये लोग जो है सामा को जोते हुए खेत में के भसाने के लिए ले जा रहे हैं डोली सबके साथ और डोली को काफी डेकोरेट किया हुआ है इन लोगों ने तो काफी सुंदर लग रहा है लेकिन ये लोग बहुत दूर जाने वाले हैं तो अब हम लोग अपने घर जा रहे हैं और ये लोग जा रहे हैं सामा भसाने के लिए। काफी मजा आया काफी इंजॉय किए सामा देख के और आज था पूर्णिमा सामा का लास्ट डे और इस तरीके से इन लोगों ने 8 दिन से ये सामा खेल रहे थे तो आज फाइनली सामा का जो है वो भसाने का दिन आ गया है। और अगर कहीं जोता हुआ खेत नहीं मिलता है इन लोगों को तो उसके बाद जो है ये लोग पानी में भी भसा सकते हैं जल में विसर्जित कर देंगे सारे जो भी इनके पास है सामा चकेवा वृंदावन ये सब तो देखते हैं क्या करते हैं। वैसे हम लोग तो अभी घर जा रहे हैं और शायद ये लोग पानी में ही विसर्जित करेंगे। सब्जियों राखल छो एखन तक तो सब्जियों यो दूध पी लो जल्दी से दीदी से हाँ मम्मी हाँ बन्नी दिखाएगी दीदी बन्नी और मम्मी जो है हियू को पढ़ा रही है यहाँ पे ऐसे ही हम लोगों को बचपन में जो है मम्मी पढ़ाती थी हम तीनों भाई बहन को और आज जो है वो हियू को पढ़ा रही है और हियू भी अपना स्कूल का वर्क कर रही है बहुत सारा इसका वर्क है जो स्कूल में मिल रहा है। चलो
और हियू की मैम जो है मधु दीदी वो भी आ गई है यहाँ पे। तो जब से हियू नानी के घर आई है तो मधु दीदी ही इसको जो है पढ़ा रही है, इसका सारा सिलेबस जो है कंप्लीट करा रही है, क्योंकि स्कूल हियू जो है जैसे ही बैंगलोर जाएगी उसका सेकेंड टर्म का एग्जाम जो है वो आ जाएगा, तो उसका सिलेबस जो है यहाँ पे मधु ही कम्प्लीट कर रही है। ये हमारे बगल में रहती है और बहुत अच्छी है, और ये घर पे अपना होम ट्यूशन भी लेती है तीन चार। तो आज मैं आपको देने वाली हूँ होम टूर अपने पापा के घर का, मम्मी के घर का, जो कि आधा ही कंप्लीट है, अभी फर्स्ट फ्लोर तक ही बना है, थर्ड फ्लोर अभी बाकी है बनना, लेकिन जितना ही बना है उतना ही मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को दिखाऊं। तो आ जाइए मेरे साथ और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कहाँ पे किस जगह पे क्या सब है। तो अभी रात का टाइम है और बाहर से ये कुछ ऐसा दिखता है। तो दिवाली में जो लड़ी पापा लगाए वो अभी तक निकाले नहीं है, हम लोग भी बोले रहने देने के लिए, जब तक चल रहा है चल रहा है। तो ये है इसका एंट्रेंस, तो इससे हम लोग जो है वो अंदर जाएंगे। ये है गैरेज, इसको आप जो है गैरेज कम बैठने का जगह है, सीटिंग एरिया भी है नीचे वालों के लिए, और अभी काम चल रहा है इसीलिए इन सब चीज़ों को आप इग्नोर कीजिए। तो ये इधर से भी गेट है और इधर से भी गेट है। इसके बाद जो है ये जगह जो है मेरी मम्मी ने बनवाया चिकन का बर्तन धोने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी चिकन नहीं खाती है तो घर में नहीं बनता है, तो हम लोगों को यहीं पर बनाना पड़ता है। और इधर से एंट्रेंस है घर का, अंदर का रास्ता, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे। और जाने के साथ ये डोर है, और यहाँ पे है किचन जहाँ पे मेरी मम्मी काम कर रही है। तो अभी मम्मी काम कर रही है किचन में, और ये भी इनकम्प्लीट है, इसका जो है फर्नीचर वर्क जो है वो सारा बाकी ही है। और इसके अलावा इसके साथ है ये वॉश बेसिन, और ये है वॉशरूम, और ये है एक रूम, ये एक रूम है। तो सबका जो है वुडन वर्क सारा बाकी है, वो जल्द ही हो जाएगा, जैसे ही ऊपर का बन जाएगा उसके बाद नीचे का जो है वुडन वर्क कंप्लीट हो जाएगा। और ये है दूसरा रूम, तो इस रूम में मैं रहती हूँ, मैं जब भी आती हूँ मम्मी के पास तो इस रूम में मैं ही रहती हूँ। और इसके साथ ही ये अटैच्ड बाथरूम है, वॉशरूम है। और ये है हॉल, डाइनिंग हॉल, और आपको हर जगह जो है सामान बिखरा दिखेगा, वुडन वर्क नहीं होने की वजह से सारा सामान ऊपर ही रखा हुआ है। तो ये है डाइनिंग रूम, और ये है एक रूम, तो तीन रूम है नीचे में, और हियू जो है स्टडी कर रही है। तो ये है एक रूम, और इसका भी वुडन वर्क नहीं हुआ है, तो नीचे के रूम का जो वुडन वर्क कुछ भी नहीं हो रखा है। और इससे ही अटैच जो है वो बरांडा है, इसको जो है एक्स्ट्रा सिटिंग रूम सिटिंग एरिया करके रखे हुए हैं, कि जो भी बाहर से आएगा तो उसके लिए ये एक बैठने की जगह रहेगी। तो इससे अटैच जो है ये वॉश बेसिन है, बाथरूम है, तो यहाँ पे सारी व्यवस्था है ऐसे है। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ से जो है ऊपर का रास्ता है ऊपर के फ्लोर का। जब ऊपर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है वो नीचे जो है जो भी काम बचा हुआ है वो सब काम होगा। तो फिलहाल मम्मी लोग शिफ्ट हो चुकी है क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता था देखने में। और ये है ऊपर के फ्लोर का मेन गेट, और इस वाले फ्लोर पे हम लोग रहने वाले हैं नीचे, और ऊपर का फ्लोर जो है वो रेंट पे जाएगा, और फर्स्ट फ्लोर पे जो है हम लोग रहेंगे। तो यहाँ पे काम चल रहा है पूरा, तो फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारा एंट्रेंस, और घुसते के साथ ही जो है वो हॉल है, और ये है डाइनिंग एरिया, ये पूरा डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया के साथ अटैच जो है वो किचन है,
और ये है किचन। ये भी अभी पूरा ऊपर का फ्लोर जो है वो इनकम्प्लीट ही है, बिल्कुल भी कम्प्लीट नहीं हुआ है। और ये नॉन वेज के लिए जो है ये किचन बनाया गया है अलग से, और बर्तन भी धुलने का जो है सुविधा वहीं पे डाल दिया गया है, जिससे कि किचन में कुछ भी टच ना हो नॉन वेज की चीजें। तो ये रहा किचन। ये है सिर्फ और सिर्फ नहाने का बाथरूम, तो इसमें और कुछ नहीं रहेगा। तो ये है बाथरूम। इसके बाद ये तो हॉल डाइनिंग हॉल है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और इससे अटैच ये एक रूम है, ये एक रूम है, इससे अटैच ये बाथरूम है। और इधर जो है वो बालकनी है। तो अभी रात है, मुझे डर लगेगा तो मैं नहीं जा रही हूँ बाहर। ये एक हॉल है। तो ये एक रूम हो गया। रूम से निकलते के साथ हॉल है, ये तो आपने देख ही लिया ऐसा है लिविंग एरिया। और इसके साथ ये स्पेस दिया गया है, यहाँ पे कुछ जो है क्रोकरी यूनिट वगैरह कुछ मम्मी लगाएगी यहाँ पे। और एक रूम ये है, तो ये रूम है मेरे छोटे भाई का, ये उससे बड़े वाले का है। और ये घर सबसे ज्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर है, और दोनों तरफ से पूरी हवादार जो है विंडो है, तो ये घर पूरी खुली खुली सी है, तो काफी अच्छा लगता है मुझे। ये मेरा फेवरेट रूम है यहाँ का, ऊपर वाले फ्लोर का। और इससे अटैच जो है वो बालकनी है, तो बालकनी भी काफी प्यारी है। बड़ी सी बालकनी है। और ये एक रूम हो गया। और यहाँ पे इसका बाथरूम दिया गया है, रूम से अटैच इसमें बाथरूम नहीं है। तो ये है इसका बाथरूम। और ये दूसरा रूम है जो कि मेरा रूम है। तो अब जब भी मैं आऊंगी बैंगलोर से तो आप मुझे इसी रूम में दिखोगे रहते हुए। तो ये मेरा रूम है, हम तीनों ने अपना अपना रूम जो है वो बांट लिया है। और ये मेरे रूम का अटैच बाथरूम है। इसकी भी विंडो जो है वो बड़ी सी है, लेकिन उतनी खुली खुली नहीं है जितनी कि उस वाले रूम की है। और इससे भी अटैच जो है वो बालकनी है। ये है इसकी बालकनी, और इसकी भी बालकनी काफी खूबसूरत है। और यहाँ से पूरा आप इस एरिया को देख सकते हो। यहाँ के लोग जल्दी सो जाते हैं, पूरा सन्नाटा हो जाता है जल्दी ही, 9 बजते ना यहाँ पे लोग सो जाते हैं 9-10 बजते ही। तो मैं आ गई हूँ सोने के लिए। तो आज का ब्लॉग यही था कि जिसमें आपको सामा चकेवा देखने को मिला, मेरा घर देखने को मिला। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आपको सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट जरूर करना है कि आपको सामा चकेवा देख के कैसा लगा। बाय बाय, गुड नाइट।